के सोरू नंगला गांव में कांवड़ियों द्वारा लगाए गए मेले का समाज सेवी मंदिर मान ने उद्घाटन किया। इस दौरान इस मेले में आसपास के दर्जनों गांव के लोग मेले में पहुंचे। मेले में उद्घाटन में पहुंचे समाज सेवी मंदिर मान का पगड़ी बांध कर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे दिल में आवाज आई और लोगों के लिए कुछ करके दिखाऊं। साथ ही मनवीर ने कहा कि आगे भी लोगों की सेवा के लिए राजनीति में आएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। धन्यवाद करता हूं मैं इस बस्ती का, आप सभी का, जिन्होंने मुझे इतना भरपूर प्यार दिया है कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। और धन्यवाद करता हूं मार्केट मंदिर कमेटी का, जिन्होंने इस मेले में, जो मेले को बढ़ावा देते हुए, धर्म को बढ़ावा देते हुए, भक्ति की तरफ बढ़ावा देते हुए जो इन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम किया है, मैं इनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ सभी पार्टी का जो यहाँ पर अपने मुखारबिंद द्वारा धर्म का गुणगान कर रहे हैं और धर्म की राह पर चलने की सबको प्रेरणा दे रहे हैं। तो सरदारों, मैं आपसे यही कहूंगा कि हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमने कौन सी मिट्टी पर जन्म लिया है। यह भूमि वह भूमि है जहां जन्म लेना ही एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए भगवान का जिन्होंने ऐसी पवित्र भूमि पर हमें जन्म दिया है। सरदारों, इस भूमि पर हमें जीवन कमाने का हर रास्ता दिखाया गया है, चाहे वो गीता रामायण द्वारा हो, वेद पुराण द्वारा हो, बाइबल द्वारा हो। हमें हमेशा यही सिखाया गया है, जो किसी को दुख देता है उसे दुख मिलता है और जो किसी को सुख देता है उसे सुख मिलता है। तो सरदारों, माता बहनों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि हम ऊपर वाले ने कुछ ड्यूटी दे के भेजे हैं, हमारा फर्ज जो है हमें वो अपना फर्ज कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सबे पता है, सबको, सब यहाँ पर आए हैं और आगे जाना भी है और जाके वापस फिर यही आना है। अब ये हमारे हाथ में है कि हम अगला जन्म कैसा कमाएं। तो सरदारों, माता बहनों, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान कहीं बसता है तो वो इंसान में बसता है। इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है, नारायण की सेवा है। और इंसान को जो दुख देता है किसी को, वो भगवान को दुख देता है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि धर्म की राह पे चलें और सबको, अपने आने वाले नई पीढ़ी को, नए बच्चों को वही प्रेरणा दें कि वो भी अपना जीवन कमा के जा सके। धन्यवाद करता हूं मैं सभी कांवड़ भाइयों का जिन्होंने इस गांव में जो भोले बाबा के नाम की धूम मचा रखी है और जो धर्म की राह पर चलने की सबको प्रेरणा दे रहे हैं, मैं इनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों, बहनों, सरदारों, मैं भी आपका बच्चा था, नहीं जानता था राजनीति क्या होती है, पर मेरे लिए भी दिल में अंदर कुछ ऐसी आवाज आई कि मैं राजनीति में आऊं और देश के लिए कुछ करके जाऊं, आप लोगों के लिए कुछ करके जाऊं। सरदारों, मैंने ताल ठोक दी और मैं राजनीति में आ गया। आप लोगों का इतना भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला मुझे, जिसकी वजह से मैं लाइन में आगे तक पहुंच गया। सरदारों, चाहे मुझे किसी ने दबोचा, कुचला, मुझे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, पर मैं आप सबसे यही वादा करता हूं, इस बालक को, आप बालक के पास आप सबका आशीर्वाद यू ही बना रहा तो ये बालक राजनीति से कभी दूर नहीं जाएगा। ये बालक आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता है तो भोले बाबा इस बालक से कुछ करवा के रहेगा। तो सरदारों, मैं ये कहूंगा, यही प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए हमेशा बना के रखे, क्योंकि इसी आशीर्वाद के सहारे मैं अपना जीवन कमा के जाना चाहता हूँ। मैं इस मातृभूमि पे, मुझे जन्म मिला है तो मैं अपनी ड्यूटी पूरी करके जाना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय धरती माता।